गाइस 2 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग आज का लास्ट दिन था हमारा और हम लोग निकलने वाले हैं। हमारी पैकिंग भी हो चुकी है, ये देखिए पैकिंग भी हो चुकी है हमारी। चलते हैं गाड़ी के पास। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी गाड़ी भी धुल रही है और हम सब मिलकर धो रहे हैं और हम फाइनली बॉम्बे के लिए तैयार हो गए हैं निकलने के लिए। तो गाइस हम जल्दी निकलेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए, काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करना है वीडियो में। तो चलते हैं गाइस। गाइस हम लोग देखो अभी निकल चुके हैं और ये हमारा घर है, एक लास्ट बार हम देख के निकल रहे हैं, मंदी वे है। तो गाइस अभी आगे बहुत कुछ करना है और हमें आगे एक जगह और हॉल्ट करना है, कुछ यहाँ से स्वीट्स लेना है। और यहाँ पे एक अतुल बेकरी है जो कि बहुत ही फेमस है खरोड़ गांव में, पानोली के ऑपोजिट। तो गाइज हमको वहाँ भी जाना है, तो अभी चलते हैं गाइज। अब और देखो यहाँ पे आज फाटक भी ओपन है, चलो अच्छा है, हम लोग को जल्द से निकलने टाइम मिल गया, जल्दी निकल गए, वेट नहीं करना पड़ा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे एक ढाबा है जहाँ पर देखो बच्चे झूला झूल रहे हैं। गाइस यहाँ पे आप एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने मस्जिद देखा हूँ गुजरात साइड में, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई रहती है, देखिए कितनी माशाल्लाह बनाई है, कलर भी इतना प्यारा किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, देख के दिल खुश हो गया। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मस्जिद लग रही है। तो चलते हैं गाइस आगे और देखते हैं, यहीं आगे थोड़ी दूर पे अतुल बेकरी है। तो गाइस हम लोग चादर दुकान से लेते हैं और डायरेक्ट इस पे चढ़ाते हैं तो परफेक्ट आ जाती है। तो गाइस ये भी एक करिश्मा है, करामत है, ये सब अल्लाह की तरफ से। तो गाइस आगे चलते हैं और आपके साथ शेयर करता हूँ, अंदर जाते हैं हम लोग और देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत दरगाह है, बहुत बड़ी भी है, आप देख सकते हो गाइस। हम उतर कर अभी चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं, बहुत ही सुकून लग रहा है, बहुत ही अच्छा। देखो शाम का वक्त है और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत बनावट,
डिज़ाइन। और गाइस आप देख सकते हो, मैं पहले एक बार आया था जब शायद इतनी बनी हुई नहीं थी, अब तो माशाल्लाह काफ़ी कुछ हो चुका है, बन चुका है, शेड लग चुका है और अंदर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और दरगाह का टाइमिंग है वो बंद होने वाली है, तो गाइस हम चलते वज़ू कर लेते हैं। तो यहाँ है वज़ू खाना, तो हम जल्दी जल्दी वज़ू कर लेते क्योंकि टाइम हो गया है बंद करने का। अनाउंस भी कर रहे हैं ये लोग कि जल्दी जल्दी करो कि बंद होने वाला है, दरगाह बंद करने वाले हैं। कोविड के चलते दरगाह का टाइम शायद दिया गया है। तो गाइस हम चलते हैं वज़ू कर लेते, वज़ू करके चेक करते हमें अंदर जाने। देखो हमारी आयशा देखो एंजॉय कर रही है। तो गाइस शायद अंदर, मेरे ख्याल से शायद मैं आपको अंदर का व्यू शेयर नहीं कर पाऊँगा दोस्तों, क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है शायद, फिर भी चल के देखते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा, आपके लिए दिखाना चाहूँगा इधर आना, अगर वीडियो निकालने मिले तो। टोपी लेके आ रहा है, सुना तू टोपी दे। तो देखते हैं गाइस अंदर चलते कहाँ तक हम वीडियो चला सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर हम जा रहे हैं। तो गाइस आप देखो अंदर जो काम हुआ है बहुत ही खूबसूरत है, देखिए माशाल्लाह। A few moments later, तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं वहाँ पे। एक्चुअली मोबाइल रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था, तो फिर भी मैंने आप व्यूअर्स के लिए फ़ोटोज़ ले लिया हूँ, फ़ोटो दिए शेयर किया हूँ। तो गाइज हम आगे चलते, आगे हमें एक नमक भी लेना है जो कि रॉक सॉल्ट बोला जाता है, जो पहाड़ी नमक होता है। चलते हैं। तो गाइज देखिए ये है रॉक सॉल्ट वाइट कलर, हाँ ये जो है ये रॉक सॉल्ट है जो कि बहुत ही मतलब ताकतवर और अच्छी चीज़ है। तो ये हम ले रहे हैं, काला नमक भी है, तो हम ये लेके निकलते हैं क्योंकि डीजल भी भरना है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग गाइस पंप पे आ चुके हैं डीजल भरने के लिए। तो आप देख सकते हो ये पंप है और ये एक छोटा गार्डन है जहाँ हमारे बच्चों ने उसको घेर लिया है गार्डन को। ये रोड टच पंप है और गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। तो देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स हो रहे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र भी है तो थोड़ा बहुत तो बनता है यार। तो गाइस आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है ब्लू कलर की जो ब्लिंक हो रही है। वो एक्चुअली ब्लिंक इसलिए हो रही है जो ऊपर HP का बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड जैसे गाड़ी वालों को दिखना चाहिए शाइन होते हुए, नज़र पड़ना चाहिए इसलिए। तो गाइस चलते हैं, अभी बच्चे एंजॉय कर चुके और अब हम पहुंच गए गाइस होटल एपेक्स। खाना खाने का काफ़ी वक्त हो चुका है, खाना खाना है। तो गाइस देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, प्योर वेज है। आपके साथ मैं मेन्यू भी शेयर करता हूँ। ये है होटल एपेक्स, देखते गाइस मेनू प्योर वेज। वेलकम चाइनीज, गाइस हम लोग ज़्यादा हैवी नहीं खाएंगे क्योंकि सफ़र करना है, घर पहुंचना है। जो भी लेंगे लाइट लेंगे, लेकिन मैं मेनू आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ रीजनेबल रेट से। होटल एपेक्स हाईवे टच है।
देख सकते हो गाइस, रीजनेबल है हर चीज। थॉट्स भी लिखे हुए हैं। हमारी प्लेट्स भी लग चुकी है गाइस, भूख तो बहुत लगी है। बच्चे भी भूखे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आयशा तो बहुत मस्ती कर रहे, मस्ती करती है। तो गाइस चलते हैं, अभी देखते हैं कितने देर में हमारा खाना आता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो गाइस आज देखो आ चुका है हमारा खाना, आ चुका है। ये कोफ्ते का वेज कोफ्ता है और ये कोल्हापुरी है, वेज कोल्हापुरी। और रोटी है, राइस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, हमने मंगाए। चलते गाइस। तो गाइस अभी हमारा खाना हो चुका है, ये पान पट्टी है और ये दुकान, ये शॉप है जो कि मॉल से कम नहीं लग रही है। इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, बच्चों से लेके तो बड़ों का हर चीज़ इसके अंदर है। लेकिन गाइस हम अंदर नहीं जा रहे इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, मैं बाहर से जो भी आपको शेयर कर रहा हूँ। चलते गाइस आगे। काफ़ी बढ़िया होटल था और काफ़ी अच्छा खाना था। तो गाइस कभी आप इस रोड से गुजरे तो एपेक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, बहुत ही अच्छा खाना था, टेस्टी था। तो गाइस चलते अब गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं गाइस। चलो रफीक भाई। तो गाइस अब हम निकलते हैं। तो गाइस अभी काफ़ी लेट हो रहा है इसलिए हम जल्दी जल्दी निकलते हैं। अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो गाइस अब हम महाराष्ट्र बॉर्डर चेक पोस्ट से क्रॉस हो चुके हैं, इसका मतलब हम हमारे मुंबई के मिट्टी पर फिर से पहुंच रहे हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो गाइस इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना गाइस। तो गाइस अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, गुड नाइट।